अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं और उसकी टाइप्स जो आगे फर्दर डिस्कस की जाएंगी, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, तो आज फिर बताता चलूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर असल में है क्या। इम्पैक्ट प्रिंटर एक टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो हैं ये इस तरह काम करते हैं कि जब पेपर जो है प्रिंटिंग कर रहे हो पेपर के ऊपर, तो ये हैमर का इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ पिंस लगी होती हैं और वो हैमर पेपर के अगेंस्ट लगता है जाके और प्रिंटिंग हो जाती है। इस तरह जो है इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो आप आज जो है डिस्कस किया जाएगा उनके बारे में। तो सबसे पहले इसकी टाइप जो बताता चलूँ वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो हैं ये इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और इनके काम करने की सलाहियत कुछ इस तरह की होती है कि ये जो है पिन को जिस हैमर के ऊपर जिस रिबन के साथ जो पिंस लगी होती हैं वो पेपर के अगेंस्ट जाके लगती हैं और प्रिंटिंग हो जाती है। जैसे ही वो पेपर के ऊपर जिस डिज़ाइनिंग की हमने प्रिंटिंग करनी हो वो उसी डिज़ाइनिंग के मुताबिक जो है वहाँ पर पेपर पर प्रिंट कर देते हैं। अब ये जो प्रिंटिंग होती है ये पिंस पर डिपेंड करती है कि जितनी नंबर ऑफ़ पिंस होंगे, जितने नंबर ऑफ़ डॉट्स होंगे उतने ही तेज़ी के साथ जो है ये प्रिंट कर सकता है। तो ये होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रोड्यूस प्रिंटेड इमेज व्हेन टीनी पिंस ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एंड इंक रिबन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये प्रिंटेड इमेज पैदा करते हैं जब पिंस जो हैं पेपर के अगेंस्ट जाके लगती हैं और अपनी इंक वहाँ पर छोड़ जाती है। When the ribbon presses against paper, it creates dots that form character and graphics. जब ये paper के against ribbons लगते हैं जाके तो ये dots पैदा कर देते हैं और इन dots के मजमूए से मिलके एक या तो तस्वीर बनती है या फिर text बनते हैं। अगर हम text printing कर रहे हैं तो text बनेंगे, अगर हम कोई image print कर रहे हैं तो image बनेगी। The print head on a dot matrix printer कैन कंटेन 9 or 24 पिंस। प्रिंट के हेड पर जो पिंस लगी होती हैं वह 9 से 24 होती हैं। द स्पीड ऑफ मोस्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रेंजेस फ्राम 350 to 1100 करेक्टर पर सेकेंड। जो डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड जो है हम 350 से 1100 तक करेक्टर्स जो हैं ये लिख सकते हैं। इस तरह हम इसकी स्पीड में ये कर सकते हैं करेक्टर पर सेकंड से। तो ये था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के जिससे जब भी पेपर के अगेंस्ट रिबन लगते हैं जाके तो वो डॉट्स वहाँ पर छोड़ जाते हैं, उन डॉट्स के मजमूए से मिलकर या तो करेक्टर बनते हैं या फिर इमेज बनती है। अब हम बात करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर की। डेजी व्हील प्रिंटर ऐसे प्रिंटर हैं जिस पे एक मोटर लगी होती है, एक व्हील लगा होता है और जैसे जैसे वो रोटेट होती जाती है प्रिंटिंग जो है हैमर जो है जिस करैक्टर को प्रिंट करना हो उस करैक्टर को प्रेस कर देता है और प्रिंटिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे कि नाम से जाहिर है डेजी व्हील प्रिंटर, व्हील का मतलब कोई एक सर्कल सा व्हील लगा हुआ है जिसकी मदद से वो मोटर जो है जिसको रोटेट करेगी। अब हम लफ्जी तौर पर आप पढ़ते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर इज़ सिमिलर टू टाइपराइटर, ये टाइपराइटर की तरह के होते हैं। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, प्रिंट व्हील का इस्तेमाल करते हैं, व्हील एक लगा होगा। द प्रिंट व्हील इज़ कॉल्ड डेजी व्हील, इस व्हील को हम डेजी व्हील कहते हैं। ईच पैटल ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर कंटेन करैक्टर, हर एक उस व्हील के साथ हर एक पैटल लगी होगी और उस पैटल को हम कहेंगे, हम उस पैटल के ऊपर देखेंगे हर एक के ऊपर एक करैक्टर जो है बना होगा। अब मोटर रोटेट द व्हील, जो एक मोटर लगी होगी वो इस व्हील को रोटेट करेगी। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पैटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करैक्टर रीचेस द पोजीशन ऑन द पेपर। और जो हैमर है, जैसे फ़र्ज़ करें हमने ए को प्रिंट करना है, तो जैसे ही ए जो है मुकर्रर लोकेशन पर जगह पर आएगा तो हैमर जो है ए को दबा देगा, प्रेस कर देगा और वो ए जो है
प्रिंट हो जाएगा। अगर बी को प्रिंट करना है तो बी, इसी तरह जो है ये काम चलता रहता है और मोटर जो है व्हील को रोटेट करती रहती है। व्हील के हर पैडल के ऊपर एक करैक्टर बना होता है और उस करैक्टर को हैमर की मदद से प्रेस किया जाता है। दिस प्रिंट द करैक्टर ऑन द पेपर, और इस तरह ये जो है पेपर के ऊपर करैक्टर प्रिंट होते जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर जो है बहुत ही तेज़ तरीन प्रिंटर है। ये पूरी पूरी लाइन प्रिंट करने के सलाहियत रखते हैं। तो लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं, लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। ये फास्ट तरीन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इट प्रिंट्स अ इंटायर लाइन एट अ टाइम, एक ही टाइम पे ये पूरी की पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं। इट स्पीड इज़ मेजर्ड इन लाइन पर मिनट, इसकी स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं लाइन पर मिनट में कि एक मिनट में कितनी लाइंस जो है ये प्रिंट कर सकता है, हम इस तरह इसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइन पर मिनट, बहुत से लाइन प्रिंटर ऐसे हैं जो एक मिनट में 3000 लाइन जो है प्रिंट कर देते हैं। टू टाइप ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर, दो तरह के लाइन प्रिंटर हो सकते हैं, एक बैंड प्रिंटर जिसको नाम दिया गया और दूसरा चेन प्रिंटर। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड बाय मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिंटर्स हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।